साथियों नमस्कार। समाचार पीएसईएल से संबंधित है कि पीएसईएल के सीएमडी यानी पीएसईएल के जो मालिक थे निर्मल सिंह भंगू, पहले दूध बेचा करते थे। दूध बेचने से लेकर के उनको क्या टेक्निक सूझी, किनका साथ मिला कि पूरे देश में अरबों रुपए से अधिक की संपत्ति उन्होंने कर ली, जो कि अभी सरकार ने जब्त कर ली है। क्या वो टेक्निक थी, क्या वो तरीका था कि जिससे उन्होंने देश में इतनी बड़ी संपत्ति जो है बहुत ही चंद दिनों में कर ली। देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने जो है अपना प्रॉपर्टी का कारोबार स्टार्ट किया और वहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे प्रॉपर्टी का कारोबार का विस्तार किया। साथियों पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या उनकी टेक्निक थी, क्या उनकी शिक्षा थी, किस तरह से जो है इस कारोबार में लगे और किनका उनको सहयोग मिला कि वह अरबपतियों की लिस्ट में सबसे आगे निकल गए। साथियों हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। साथियों जो भी मैं समाचार दिखा रहा हूँ यह साक्ष्य के साथ और सही समाचार मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेपर कटिंग में निकला हुआ है पूरे देश में भंगू को अरबों रुपए की प्रॉपर्टी। अगर हम इसे देखें तो लिखा हुआ है पल्स ग्रुप के प्रॉपर्टीज देश के करीब हर छोटे बड़े शहर में है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, मोहाली समेत टॉप सिटी में शामिल हैं, वहाँ भी इनके पास ज़मीनें हैं। दिल्ली में कनाट प्लेस में पूर्व ग्रुप की 61 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कीमत अरबों रुपए में है। इसके अलावा दिल्ली में ही पल्स के अरबों रुपए की ज़मीन और भी हैं और मोहाली में तो पल्स ग्रुप की हाउसिंग सोसाइटी को लेकर के हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी हैं। तो साथियों ये तो सारांश बताया है हमने कि पीएसईएल के जो मालिक थे निर्मल सिंह भंगू थे, पूरे देश के हर शहर में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इन्होंने ले रखी थी। किस तरह से लिया था, क्या इनकी शिक्षा थी, कैसे इन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें तो आप देखते रहिए कि क्या था इनका जो है। यहाँ से देख लीजिए, साइकिल पर दूध बेचता था निर्मल सिंह भंगू। अब हम अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हेडलाइन से, साइकिल पर दूध बेचता था निर्मल सिंह भंगू। पल्स ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू पंजाब के बनाला जिले में रहता था। बताया जाता है कि वह जवानी के दिनों अपने भाई के साथ साइकिल पर दूध बेचा करता था। इसी दौरान उसने पॉलिटेक्निक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया और इसके बाद जॉब्स की तलाश में वो 70 के दशक में कोलकाता चला गया। यानी 1970 के दशक में उन्होंने कलकत्ता चले गए। वहाँ पर उन्होंने फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी में कुछ सालों तक काम किया। उसके बाद इन्वेस्टर को करोड़ों रुपए को ठगी करने वाली हरियाणा की कंपनी गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड में काम करने लगा। इस कंपनी के बाद निर्मल सिंह बेरोज़गार हो गया। बेरोज़गार होने के बाद क्या उनके दिमाग में सूझा और कैसे उन्होंने कंपनी तैयार की, ये सोचने वाली बात है जो उसके नीचे हेडलाइंस में आपको दिख रहा है। इस कंपनी का काम करने का आइडियाज के तहत उन्होंने 1980 के दशक में पियरलेस गोल्डन फॉरेस्ट पीजीएफ के नाम से कंपनी बनाई। यह कंपनी भी गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के तर्ज पर लोगों को सौगान के पेड़ों, प्लाटों और इन्वेस्टमेंट के कुछ वक्तों तक अच्छा मुनाफा लौटाने की वादा करती थी। 1996 तक इन्होंने करोड़ों की रकम जुटा ली और इस दौरान इनकम टैक्स और दूसरी जांचों के चलते इस कंपनी को इनको बंद करना पड़ा। यानी साथियों उन्होंने एक कंपनी जो बनाई हुई थी, सबसे पहली कंपनी
PGF इस कंपनी को इनको बंद भी करना पड़ा। इस कंपनी पर जांच हुई, तमाम सारे उसमें भी गलतियां पाई गईं, लेकिन इनके खिलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से इनको छोड़ दिया गया और ठगने का इनको पूरा मौका सरकार ने दे दिया। साथियों, हमारा समाचार अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारी बात अच्छी अगर लग रही है, तो थोड़ा सा समाचार और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहुत ही अच्छी समाचार है कि जिस तरह से उन्होंने PSEL को तैयार किया, ऐसे खड़ा किया था एम्पायर। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हेडलाइंस है, ऐसे खड़ा किया था विदेशों तक एम्पायर। इसके बाद वह पंजाब के बरनाला में एक नई कंपनी PSEL यानी पल्स एग्रोटेच कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की। ये एक चैन सिस्टम कंपनी थी। कंपनी को दिए जाने वाले मुनाफे का दावा के लालच में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें पैसा लगाया और इसके तहत हर महीने वसूली की रकम जमा करवाई जाती थी। इस स्कीम में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने छोटी छोटी स्कीमों के तहत पैसा जमा किए और पल्स का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसने जो है कई कंपनियों का अनुभव लिया, अनुभव लेने के बाद अपनी कंपनी खोली, कंपनी खोलने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा लाभ उठाया। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या था कि जो व्यक्ति जितना ही ज़्यादा अनुभवी होता है वह उतना ही बड़ा काम कर सकता है। साथियों, यद तक हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें अपने मित्रों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला वीडियो जो भी PSEL से नई संबंधित वीडियो होगी उसको मैं लेकर के आप तक पहुंचूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।